हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए नॉनवेज रेसिपी। नॉनवेज में मैं मटन करी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कुकर रख दिया है और इसमें हम तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, जो कि मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है, और गैस को स्लो करके हम रख देंगे। तब तक हम बाकी के मसाले अपने तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने पीस लिया है, प्योरे बना ली है। और यहाँ हम ले लेंगे अपने साबुत मसाले। तो साबुत मसाले में मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, धनिया लिया है साबुत वाला, और 1 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च, 1 साबुत इलायची और 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल में 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च ली, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है और 2 चम्मच भर के मैंने मीट मसाला ले लिया है। और यहाँ पे काली मिर्च पाउडर मैंने लिया है, जो 1/2 चम्मच से कम लिया है। और इनको अच्छे से मिक्स करके हम पानी डाल के इसका एक घोल बना के रख देंगे। इस तरह से इसके मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए हम देखते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया था, मैंने गैस को कर दिया था ऑफ, जिससे कि मसाले जब हम डालें तो एकदम जले नहीं मसाले। और मैंने साबुत मसाले डाल दिए हैं और इस तरह से इनका मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नहीं तो तेज तेल में डालते हैं तो मसाले जलने से लगते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना प्याज भी ऐड कर दिया, सारा प्याज डाल देंगे और अच्छे से इसको चला देंगे। फिर हम कर देंगे गैस ऑन, और हमने ये मीडियम फ्लेम रखी है अभी, और अच्छे से प्याज को भूनेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है। तो 2 चम्मच मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, मैंने मार्केट वाला यूज़ किया है। आप प्याज को पीसते टाइम भी डाल सकते हैं अदरक और लहसुन, और अच्छे से भून लेंगे प्याज को। तो प्याज हमारा देखिए भून गया है। अब हमने जो अपने मसाले तैयार करके रखे हैं तो उसको भी ऐड कर देते हैं, और इनको भी अच्छे से चलाते हुए हम भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी उसमें मिक्स करके डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए मसाले भी हमारे अच्छे से भून गए हैं, और हम इसमें ऐड करेंगे अपना मटन। तो यहाँ पे मैंने 800 ग्राम मटन लिया है और उसको अच्छे से धुल के रख दिया था, तो जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया। और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो 2 चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक और मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो, जैसे भी अपना ले सकते हैं उस हिसाब से। और अब हम इसको अच्छे से इसमें मसाले में मिक्स करके और लो फ्लेम कर देंगे, और इसको ढक के पकने देंगे, जिससे कि मसालों के साथ ये अच्छे से भून जाए। चलिए चेक कर लेते हैं थोड़ा कि देखिए मटन ने हमारा पानी छोड़ दिया है। तो इसको हम बीच बीच में ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसका पानी एकदम ड्राई ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं, मसाले हमारे यहाँ पे अच्छे से भुन गए हैं, और मटन ने भी अपना पानी देखिए सूख गया मटन का पानी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी हमने डाल दिया है, आप अपनी ग्रेवी कैसी रखनी है आपको उसके अकॉर्डिंग पानी ले लीजिए। तो पानी, अब कुकर को हम बंद कर देंगे और लो गैस पे ही, लो फ्लेम पे हम इसको 3 सीटी आने तक पकाएंगे। तो 3 सीटी आ गई हैं, सीटी हमारी निकल गई थी कुकर की, हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया ग्रेवी लग रही है मटन की, और मटन हमारा बनके तैयार है। मटन अच्छे से पक गया था यहाँ पे, बहुत अच्छा पका था। और चलिए सर्व करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सकें आपको रेसिपीज़ की। और देखिए हम यहाँ पे अपना निकाल लेते हैं। आप चावल के साथ, रोटी के साथ इसको सर्व कीजिए। और मटन हमारा बहुत अच्छा पक गया था, और देखिए कितनी अच्छी उसकी ग्रेवी लग रही है। हमने यहाँ पे निकाल लिया है और गरम गरम सर्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।